ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः ॐ श्रीऋषिभ्यो नमः ॐ सहनावपतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं कारवावहई तेजस्वेना वधीतमस्तो मावि द्वेषापहई ओम शान्तिः शान्तिः सर्वेभ्यो नमः देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलद्रश्यम प्रति भवतां भवतीनांच हार्दिक स्वागतम मित्रों अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमा वृत्तिः पंचमः अध्यायः प्रथमः पादः कक्षा संख्या पंचमी पांचवी क्लास को पढ़ेंगे आज फिफ्थ क्लास को ठीक है इसको ऐसे भी लिखते हैं हिंदी में ठीक है ये हिंदी में लिख दिया मैंने ठीक है हिंदी में थोड़ा सा आजकल लोग समझते नहीं है इसलिए थोड़ा जो चला हुआ है वही हिंदी में इसको लिखेंगे तो ऐसे लिखते हैं पांच ठीक है चलिएगा क्लास को पढ़ेंगे चलिए तो पुस्तक ओपन कर लीजिएगा गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था विस्ताच इकतीस सूत्र तक हमने पढ़ लिया था ठीक है आगे का सूत्र है विंशत कात ख विंशत कात पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम ख प्रथमा व्यक्ति ही एक वचनांतम अनुवृत्ति इसमें आ रही है अध्यर्द पूर्व दुगो हो तद्धिता न्या प्रातिका प्रत्यय परश्च इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है अर्थ अध्यर्थ पूर्वाद दिगु संयकाच विंशति का शब्द शब्दांता प्रातिका आर्यु अर्थेशु ख प्रत्ययो भवती कहते हैं अध्यर्थ शब्द पूर्व में है अथवा दिगु संयक ऐसा कौन सा शब्द विंशतिक या विंशतिक उससे प्राप से, से आर ही अर्थ में क्या प्रत्यय होता है, है ख प्रत्यय होता है बोलो क्या होता है, है उदाहरण दिया यहां पर अध्यर्धवशति की कीनम तो का शब्द है, है? अध्यर्ध का शब्द है तो का तो अध्यर्द विंशत केन कृतम अध्यर्ध विंशत की तो नीतम जख खो इन हो जाता आई नई चकाम प्रत्यादि नाम से खको ईन हो जाएगा ऐसे कीनम बन जाएगा ये दुगु का हो गया द्विविंशत की न इनमें सब में समास उन्हीं सूत्रों से होगा तार्थोत्तर पद समाह और संख्या पूर्व में होगी तो संख्या पूर्व दिगुह से द्विगु संज्ञा भी हो जाएगी ठीक है जैसे यहां पर तद्दितार्थोत्तर पद से समास हो गया संख्या पूर्व द्विगुह से द्विगु संज्ञा हो गई संज्ञा होने से इसका उदाहरण बन गया यहां पर केवल समास समास हुआ है उसी सूत्र से तद्धितार्थोत्तर पद समाह त्रिविंशत कीनम त्रिविंश के नीतम विशति की नरल है ठीक है तो ये भी क्या है यहां पर ये कह रहे हैं कि ये सूत्र क्या कह रहा है अध्यर्द पूर्व और दुगु संजक से विंशत शब्द से क्या होता है खपत्य होता है आरही अर्थ परंतु यहां पर कहा था अध्यर्थ पूर्व संज्ञायां के अध्यर्थ शब्द पूर्व में जिस किसी के भी और द्विगु संयक उससे उत्तर ही अर्थ में संज्ञा से भिन्न जो प्रत्यय आया उसका लुक होता है तो ये जो ख प्रत्यय आ रहा है ये तो संज्ञा में नहीं आ रहा है और ही अर्थ में आ रहा है और अध्यर्द पूर्व से आ रहा है संजक से आ रहा है तो इसका लुक प्राप्त होना चाहिए जब लुक हो जाएगा तो फिर प्रत्यय लाने का फायदा क्या फिर तो दूसरा ही प्रत्यय हो जाता जो भी प्राप्त था जो भी ठई ठई प्रत्यय प्राप्त था इसको तो ठई हो जाता ठही का लुक कर देते अर्थ आ जाता तेन क्रीतम अर्थ में जो अर्थ है प्रत्यय से आता वो आ जाता ध्यान रखेंगे फिर यहां ख प्रत्यय कर रहे हैं तो ख किसका अपवाद है ठय का अपवाद है प्रागवते परिमाणवाची और संख्यावाची शब्द है तो कहते हैं कि यहां पर इस सूत्र के विधान सामर्थ्य से इस सूत्र से इसका ख का लुक नहीं होता है तो ब्र तो व्यर्थ चला जाएगा प्रत्याविधान करना ठीक है तो व्यर्थ ना होने के कारण से सार्थक करने के कारण से लुक नहीं होता यह इसका समाधान है ये हो गया ठीक है चलिए तो ये आपको हमने बता दिया आगे सूत्र है हमारा खारिया पंचमी व्यक्ति एक वचनात्तम ईकन प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम अनुवृत्ति इसमें आ रही है अध्यर्द पूर्व द्वोह तत्पति का प्रत्यय परश्च इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है अर्थ अध्यर्ध पूर्वाद दुगु खारी अध्यर्धपूर्वा दिगुसांता प्रातपदिका आर्यन प्रत्यय ठीक है कहते हैं अध्यर्ध शब्द पूर्वाला और दुगु संयक क्या खारी शब्द उससे क्या हो जाता है आर् अर्थ आर्ष अर्थों में ईकन प्रत्यय हो जाता है ठीक है ये भी क्या है ठै का अपवाद है क्योंकि तो ये परमाणुवाची शब्द है खारी तो आ रहा तो गोपुच्छ संख्या परिमाण ठक से ठक प्राप्त नहीं है तो ठय है प्रागवत तो का अपवाद है उदाहरण दे रहे हैं यहां पर अध्यर्द खारी कम द्विखारी कम त्रिखारी कम तो ये अध्यर्द खारी और इकन प्रत्यय हो गया तो खारी का जो ई है खारी शब्द का ये वो तो ऐसे तीछे से लोप हो जाएगा बाकी वृद्धि आदि इसमें कुछ भी प्राप्त नहीं है तो ईकन का ईक बचता है तो खाद्यर्धारी कम दिखारी कम, कम तो क्रीत आदि अर्थों में आ जाएगा यहां गुरु जी ने लिख दिया है, खारी शब्द परिमाणवाची है अतः उससे ठई प्राप्त था तदपाद इकन है खारी के ईकार का ऐसे तीचे से लोप होकर के खार ईक अध्यर्थ खारी कम बन जाएगा ठीक है जी वो आप सिद्धि मैंने बता दिया आपको चलिए आगे सूत्र है पण पाद मास शता पण पाद मास शता पंचमी व्यक्ति एक वचनातम यद प्रथमा व्यक्ति एक वचनातम चमासा पण इत्यत्र समाहारो द्वंद इसमें समाहार द्वंद समास है ठीक है पद शब्द यहां से ले लेंगे पणश्च पादश्च माशश्च शतश्च शतम च पाद माश शतम तस्मात पण पाद माश शता समार द्वंद्व विग्रह हो गया समास हो गया ये वाले ठीक है अनुवृत्ति इसमें आ रही है अध्यर्द पूर्व दुगो हो तद्धिता न्याय प्राप्त का परश्च इन पदों की अनुवृत्ति है अर्थ अध्यर्ध पूर्वे दुगु संज्ञ के पण पाद माश शत इत्येवम अंतेभ्यः शब्दे आश्येष्व अर्थेश प्रत्यय ठीक है कहते हैं अध्यर्द पूर्व वाले अथवा द्विगु संयक जैसे शब्द, पाद शब्द और माश और क्षत अंत में जिनकी संज्ञा में भी अंत संजक भी अंत होंगे और अध्यर्थ पूर्व वाले में भी, भी अंत होंगे तो उनसे आर ही अर्थों में यत प्रत्यय होता है ठीक है तो ये सभी शब्द क्या है परिमाणवाची है कैसे है सभी शब्द परिमाणवाची और ये संख्यावाची है प्राण पाद माश ये परिमाणवाची परिमाण विशेष को कहते हैं और शत शब्द संख्यावाची तो इनसे क्या प्राप्त था प्रागवतेष्ठ से ठी प्राप्त था ठीक है आगे के अर्थों में आर ही अर्थों में परंतु का ठीक नहीं होगा यत्ता इनसे तो ठीक है तो।, तो कहते हैं हो जाता जैसे अध्यर्द पण्यम तो अध्यर्धेन पण्य पणेन अध्यर्द पणेन अध्यर्द पणेन कृतम अध्यर्द पण्यम तीन लोप हो गया कुछ नहीं हुआ ऐसे द्विपर्ण्यम त्रिपर्ण्यम सरल है यह तो हो गया है और इसके आकार का लोप हो गया और अध्यर्द पाद्यम द्विपाद्यम त्रिपाद्यम अध्यर्द माश्यम द्विमाश्यम त्रिमाश्यम अध्यर्द सत्यम द्विशत्यम त्रिशत्यम माने अध्यर्द शत अधर्ध सत्यम का अर्थ हुआ माने सौ और सौ से आधा अधिक माने डेढ़ सौ एक सौ पचास तो एक सौ पचास एक सौ पचास से खरीदा हुआ कुछ वस्तु सामान ठीक है विग्रप आरम से कर सकते समर्थ हो गए अध्यर्धे नीतम अध्यर्ध शर्थोत्तर पद समारे चाहे समास हो गया ठीक है और इससे पर प्रत्यय हो गया आदि अर्थ में आगे अर्थ आ जाएंगे उनके सहयोग से उन उन सूत्रों के साथ में यह सूत्र लग जाएगा ऐसे ही सब जगह विग्रह कर लीजिए आराम से कोई परेशानी नहीं है ठीक चलिएगा ये होगा आपका अब है हमारा शाणाद व

तो शाण शब्द से ही अर्थों में विकल्प करके प्रत्यय होता है ये ये परिमाणवाची शब्द है ये तो क्या है ठयोपाद तेन पक्षे सोपी भवती माने ये ठय का अपवाद है तो पक्ष में ठय भी हो जाता है परंतु कहते तस्य लुक उसका क्या हो जाता अध्यद पूर्व दिगोर्याम से लुक हो जाता उसका तो इसका लुक नहीं होगा इसका लुक होगा तो क्या फायदा okay. इसका लुक नहीं हो सकता ये से इसका भी लुक हो जाएगा तो फिर करने का फायदा क्या तो ठई का लुक हो, होता है ठीक तो है क्योंकि ठई तो चरितार्थ अर्थ है ठई हर जगह लुक नहीं होता कहीं पर ठई रहता भी है दूसरे शब्दों में परंतु ये तो इन्हीं शब्दों से कहा गया है और इनमें भी लुक हो जाए तो फिर इसका फायदा क्या तो कहते हैं तस्य च लुक माने उसका अध्यर्द पूर्दोलु संज्ञा में अट्ठाईस में सूत्र से हो जाता है भवती अध्यर्द शान्यम और अध्यर्द शानम ये तो आपका यत हो गया और ये हो गया आपका ठई का ठीक है द्विषाण्यम द्विषाणम त्रिषाण्यम त्रिषाणम ठीक है एक यत हो गया एक ठय ठई का होगा ठई का लुक हो जाता है यहां गुरु ने सूत्र भी लिख दिया है जो मैं बार बार बोल रहा हूं शाण शब्द परिमाण वाची है ठीक है तो उससे ठै की प्राप्ति थी पक्ष में वह भी होता है किंतु उस ठहीं का अध्यर्थ पूर्व दो दोगो संज्ञा से लुक हो जाता है सो ठह पक्ष में अध्यर्थ शाणम दुषाणम आदि रूप बनेंगे यत का विधान सामर्थ्य से लुक नहीं होता क्योंकि यथ तो, तो इन्हीं शब्दों से कहा जा रहा है यहां पर तो ये ये भी ये भी अटका तो फिर फायदा क्या करने का ठीक है तो विधान सामर्थ्य से नहीं होता अब ये हो गया हमारा ध्यान देंगे अब हमारे आर ही अर्थ आरंभ होंगे क्या आर ही अर्थ आरंभ होंगे अब वो ध्यान देंगे जैसे तेन कृतम सबसे पहला अर्थ है क्या है तेन कृतम सबसे पहला अर्थ है अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि यहां से हमारे प्रत्ययों का आरंभ हुआ था जो आ रही हैं वो प्रत्यय कहाँ से आरंभ हुए थे यहां से ये यह वस्तुतः तो था यहाँ से अर्थात ये माने ठह आगे चलेगा ठीक है और ठही तेन तुल्यम क्रिया चेदवते है से के बीच में आर हती दे दिया था तो ये जो प्रत्यय है ये तेरा प्रत्यय हैं अभी हमने तेरा प्रत्यय पढ़े हैं अभी कोई अर्थ नहीं कहा इन, इनका ये किन अर्थों में होंगे तेरा प्रत्यय इन इन शब्दों से जिन जिन से कहा गया है वो अर्थ आगे आएंगे अब ठीक है वो तेरा प्रत्यय आपको नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक पर कौन कौन से एक तो है प्रागवतेष्ठ एक और दूसरा है ठक ठीक है और तीसरा और चौथा है ठन और यत चार हो गए आपके ध्यान कितने हो गए चार और पांचवा ये हो गया कन ठीक है पांचवा वह और ड्वन डुडन ये होगा छठा टिठन सातवा और आई अठवा और अण नौमा ठीक है नौमा हो गया ये ठीक है नौ और आपके और ये होगा दशमा ख ठीक है ये हो गया आपका ग्यारह ये ये तो हो गया आपका बारह ते, ते, तेरह होने चाहिए एक मिनट हमसे कहीं गलती गलती हुई है एक अण प्रत्यय छूट गया गिनते हैं एक दो तीन और एक चार चार और एक पांच छ सात एक आठ एक नौ दस ग्यारह बारह अच्छा एक प्रत्यय कहीं छूट रहा है हमारे नजर से नहीं आ पा रहा है कहीं देखेगा तेरा प्रत्यय वास्तव में प्रागवतेष्ठ अब मैं जोड़ता चलता हूं प्रागवतेष्ठ एक हो गया आरहाद गोपुच संख्या परमा दूसरा हो गया और ठन और यत ये आपके चार हो गए ठीक है चार और संख्या या कन ये पांच ठीक है और विंशत ये हो गया छ और फिर ये सात इठन सात हो गया और आई आठ आई आठ हो गया और फिर है अण अण नौमा हो गया ये नौमा और फिर है आपका ख प्रत्यय दश और ग्यारह और एक बारह ये बारह प्रत्यय हो रहे हैं अच्छा और एक सूत्र है छत्तीसवा और है एक ये जो इसके अंदर ये जो सिद्धांत कौमुदी है इसके अंदर एक सूत्र और बढ़ा दिया है ठीक है सिद्धांत कौमुदी के अंदर एक सूत्र बढ़ा दिया है ठीक है तो उससे क्या है एक सूत्र है द्वित्री पूर्वात अणच इस कारण से तेरह हो रहे हैं ठीक है और वैसे यहां पर ये संख्या में बारह है आपकी परंतु यहां पर एक मिनट में अभी आपको बताता हूं यहां पर क्या है यहां ये जो अष्टाध्यायी है इस अष्टाध्यायी में वो एक सूत्र नहीं दिया दणच काशिका के अंदर और वैयाकरण सिद्धांत कौमदी के अंदर उस सूत्र को पढ़ा गया है ठीक है मैं आपको बता देता हूं हमें यहां पढ़ना नहीं वास्तव में दि त्रि ये सूत्र है ऐसा ये जो छत्तीस है वो छत्तीस संख्या इसकी है ये काशिका के अंदर भी है और सिद्धांत कौमदी के अंदर भी है ठीक है तो ये, कि ये अण प्रत्यय ये है इसको मिलाकर के तेरह प्रत्यय होते हैं देखिए यहां पर गिनने से थोड़ा सा अटपटा सा होता है ये सूत्र वास्तव में यहाँ पर प्रथमा वृत्ति में नहीं दिया परंतु काशिका के अंदर यह सूत्र है और वैयाकरण सिद्धांत वैयाकरण सिद्धांत कौमदी के अंदर भी है ठीक है उसकी पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं वही पढ़ लेंगे वैसे ठीक है उसका सामान्य सा अर्थ है कि द्वि और त्रि द्वि और त्रि शब्द पूर्व में होगा तो ये शाण शब्द से शाण शब्द से अण प्रत्यय भी हो जाता है क्या अण तो क्या होता है शाण के रूप बन जाते हैं एक ठई का बन जाता ठैन लुक का और एक बनता यत का और एक बनता अण का ठीक है तो रूप बन जाते हैं माने एसी का ये का अवयव है सूत्र ठीक है द्वित्री पूर्वा दणच तो अण प्रत्यय तेरा प्रत्यय हो जाते हैं अब ध्यान देंगे ये जो तेरा प्रत्यय हैं यहां से यहां तक यहां से लेकर प्रागवतिष्ठ इन माने जिस जिस शब्द से माने कुछ प्रत्यय तो या सामान्य दो प्रत्यय तो सामान्य ठई और ठक ध्यान देंगे क्या ठई और ठक तो किसी शब्द विशेष से नहीं कहे इनका तो अधिकार चलेगा ठीक है और आगे कुछ शब्दों से विशेष विशेष प्रत्यय कहे हैं ठई और ठक के अपवाद ये ध्यान देंगे इन तेरह प्रत्ययों का अभी कोई अर्थ नहीं बताया किस अर्थ में होते हैं अभी कुछ भी नहीं बताया ध्यान देंगे हम पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे गुरुजी पढ़ा रहे थे तेन सबसे पहला अर्थ है तेन क्रीतम तो इसलिए तेन क्रीतम तेन क्रीतम क्रीतम अर्थ में हम प्रत्यय दिखा रहे थे परंतु कोई अर्थ अभी तक नहीं आया था अब ध्यान देना है क्या ध्यान देना है आपको यहां से यहां से ठई और ये ठक और आगे के जो ये प्रत्यय हैं इनको सहित मिलाकर के तेरह प्रत्यय ये तेरह प्रत्यय किन अर्थों में होंगे तेन कृतम या कृतम अर्थ है कृतम अर्थ से लेकर के तद अर्ति अर्ति अर्थ पर्यंत जितने भी अर्थ हैं सभी अर्थों में जो जो जे शब्द से जो प्रत्यय कहा है वो प्रत्यय आरही अर्थों में उन शब्दों से होगा ध्यान देंगे ठीक है ये सारे ये यहां से लेकर के ध्यान देंगे यहां से लेकर के यहां तक के ये सूत्र हैं ये सूत्र सारे इसमें जुड़ जाएंगे ध्यान देंगे इसके साथ जुड़ करके ये प्रत्यय का विधान करेंगे ये अकेले कुछ नहीं कर सकते ते, तेन क्रीतम, तेन क्रीतम के साथ में ये प्रागवते जुड़ जाएगा आराध गोप संख्या ठक जो जो यहां का है जिससे ठक भी जुड़ जाएगा असमास ये सारे सूत्र इसके साथ जुड़ जाएंगे और कृत अर्थ में तेरह प्रत्यय आ जाएंगे यथा संभव ठीक है अब अर्थ पढ़ना आरंभ करेंगे आगे ठीक है अब अर्थों का ये जो पीछे प्रत्यय दिए किन किन अर्थों में हो सकते हैं या होते हैं वो अब अर्थ पढ़ना आरंभ होगा इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है ठीक है अभी तक हमने प्राय करके सभी सिद्धियां एक सिद्धि को छोड़कर के अः आदि को छोड़कर के वो परिमाणम अर्थ में लाए थे बाकी सभी सिद्धियां हमने सभी उदाहरण सभी सूत्रों के तीन कृतम अर्थ में दिखाए हैं परंतु अकेले तेन कृतम अर्थ में ही नहीं होते तो आगे बहुत सारे अर्थ उनमें होते हैं चलिएगा अब पढ़ते हैं कुछ एक दो सूत्र और पढ़ लेते हैं अब ये पहला अर्थ है ठीक है तेन क्रीतम तेन तृतीय व्यक्ति एक वचनांतम क्रीतम प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम ठीक है अनुवृत्ति तद्दिता न्या प्रातिका परश्च ठीक है अर्थ तृतीय समर्था प्रातिकात क्रीतमितेतस्थे यथा ठन्यादयः ठयादय भवन्ति अब देखिएगा इसने कहा तृतीय समर्थ प्रातपदिक से ना कोई भी प्राथमिक हो तृतीय समर्थ लेना है तृतीय समर्थ से क्रीतम माने खरीदा गया इस अर्थ में यथाविहितम माने जिस शब्द से जो प्रत्यय वो तेरा तेरा प्रत्यय जिन जिन शब्दों से जो जो कहे हैं ठीक है और नहीं कहा है तो सामान्य ठई और ठक कहे हैं तो ठयादया प्रतया बवंती वो सारे सूत्र इसके साथ सूत्र मिलकर के काम करेंगे अब ठीक है उदाहरण देते हैं सप्त्याम साप्तिकम सत्तर से खरीदा हुआ सप्तति माने सत्तर सत्तर से खरीदा हुआ कोई सामान तो अब इसकी सिद्धि कैसे करेंगे सप्तति और टा ध्यान देंगे ये सप्तति ये शब्द क्या है एक वचन है कहते तो बहुत बहुत को है परंतु तो ये भाषा में संस्कृत भाषा में इनका वचन क्या है एक वचन और स्त्रीलिंग है इसलिए सप्तत्य आया नहीं तो बहुत सारे लोग कहें बहुवचन है तो बहुत सारे कह रहे हैं सप्तति मान सपर बहुवचन क्यों नहीं ये नित्य एक वचनांत शब्द है नित्य स्त्रीलिंग शब्द है ये तो सप्तति कृत अर्थ में अब देखेंगे क्रीत अर्थ में कौन सा प्रत्यय आएगा भाई आर ही अर्थ में आर ही अर्थ है तो क्या है प्रागवतेष्ठ है और आरहा गो गोपुच्छ संख्या परमाण ठक तो सबसे पहले ठक है ठक प्राप्त होता है परंतु ठक क्या है संख्यावाची शब्दों को छोड़कर के होता है और सप्तति शब्द है संख्यावाची तो इससे क्या है फिर प्राग प्रतिष्ठी से ठही आ जाएगा ठही आ जाएगा ठही लगेगा तो ठही प्रत्यय होकर के क्या बनेगा सप्तती का आ, ये और अवृद्धि आदि होकर के एक आदि होकर के या से लोप आदि होकर के कम ठीक है ऐसे ही आशीतिकम कृतम आशीतिकम नैषिकम पाणिकम पादिकम ध्यान दीजिए इसमें क्या है नैष्कम निष्क शब्द आया था आपका असमासे असमासकादिभ्य क्या असमासे तो ये असमास में है, तो यहां पर क्या हो गया ठक हो गया ठक हो गया जब आपको ध्यान रखना पड़े, पड़ेगा ठीक है तो ये निष्का दिव्या से जो बीसवा सूत्र है उससे ठक हो गया यहां पर वृद्धि आदि हो जाए ऐसे पाणिकम पादिकम तो ये तो अभी आया था सूत्र पण पाद मा तो यहां पर एक मिनट यहां पर हमारा ये था एक मिनट हाँ ये तो ये नहीं होगा ये तो ये तो क्योंकि अध्यर्थ पूर्व दुगु संयक से होता है पर यहां तो केवल अकेला है अकेला है ये ठीक है क्या है अकेला तो यहां पर पण शब्द पण और ये ये क्या है परिमाणवाची शब्द है वास्तव में पाद माने एक फगुआ बोलते हैं इसको तो इनसे क्या हो जाएगा ठई हो जाएगा यहां पर जो परिमाणवाची है इसलिए ठक नहीं होगा ठई होगा हो पर्ण पाद मा शताब्दी नहीं लगेगा क्योंकि यह तो वहां होगा जहां अद्वैत शब्द पूर्व में हो इनके अथवा दुगु दुग्स हो संख्यावाची कोई पूर्व नहीं है तो अकेले शब्द है तो इनसे क्या हो जाए ठी हो जाएगा ठीक है तो ये पाणिकम पादिकम बन जाएगा चलिएगा अब आज की कक्षा में मैं केवल इतना ही पढ़ाऊंगा आपको परंतु आपसे निवेदन करूंगा कि आप मुझे इस कक्षा के पढ़ने के बाद सभी पाठक जो भी पाठक पढ़ रहे हैं आगे पढ़ेंगे सौ वर्ष तक आपको कमेंट करके बताना है कि ये आपको जो प्रकरण मैंने बताया कैसे कैसे प्रत्यय होंगे वो समझ में आया कि नहीं आया अब आप कहेंगे गुरु जी सौ साल कहाँ जिएंगे कोई बात नहीं आगे हम किसी को तैयार करके जाएंगे वो तो जिएगा ठीक <laughs> है ऐसी चलती है गुरु शिष्य परंपरा ठीक है तो आपको कमेंट अवश्य करना है कि आपको जो तेरा प्रत्यय आपको जो बताए हैं तेरह अर्थात अष्टाध्याय में यहाँ पर बारह प्रत्यय हैं और एक जो काशिकार सिद्धांत कौमदी में सूत्र है द्वित्रिपूर्वाद तो उनको उसको मिलाकर जो तेरा प्रत्यय वो कैसे काम करते हैं कैसे आगे काम करेंगे ये समझ में एक सूत्र पढ़ा दिया तेन बस अब ऐसे पढ़ते जाने अर्थ अर्थ आएंगे ठीक है चलिएगा तो आज यही मैं कक्षा को विराम दूंगा वैसे एक समय तो बहुत कम हुआ है अभी थर्टी टू मिनट्स हुई है कोई बात नहीं चलिएगा सर्वेभ्यो नमः